बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल रेसिपी। चिकन कढ़ाई तैयार करेंगे ब्लैक पेपर के साथ और ग्रीन चिलीज़ के साथ, इसमें रेड पेपर बिल्कुल भी नहीं जाएगी। बहुत ही स्पेशल कढ़ाई तैयार करने जा रहे हैं, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो बिना स्किप किए आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपको हर चीज़ की समझ आ सके। बहुत ही यम्मी एंड डिलीशियस कढ़ाई तैयार होने जा रही है, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र भी आ रही है माशाल्लाह से। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को। इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी और किस तरह हम इसे झटपट तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 1 kg मैंने चिकन लिया, इसको मैंने फ्राई कर लिया है। जिंजर स्लाइस ले लिए हैं 2 tablespoon। फ्रेश लहसुन जाएगा इसके अंदर, एक तकरीबन 20 से 25 कलियाँ इसकी। 1 lemon जाएगा, सब्ज़ मिर्चें जाएंगी कटी हुई। 3 अदर टमाटर ले लिए हैं, 6 से 7 मैंने साबुत मिर्चें ले ली हैं। 4 अदर नॉर्मल साइज़ के प्याज लिए हैं। प्याज को हम रफली चॉप करेंगे और टमाटरों को भी। टमाटर चॉप कर लिए हैं और प्याज भी। यहाँ पे एक अदद पैन ले लेंगे, प्याज डाल देंगे, टमाटर और लहसुन की जो कलियाँ हमने ली थी वो डाल देंगे। 1 glass पानी का डाल देंगे। चूल्हा ऑन कर दिया, अब 5 मिनट के लिए ढककर इसको पका लेंगे बॉयल आने तक। ये देख सकते हैं आप, 5 से 6 मिनट हो गए हैं, टमाटर के सारे छिलके लैदा हो गए हैं। हम छिलके लैदा कर लेंगे, चूल्हा बंद कर देंगे, छिलके सारे रिमूव कर देंगे। अब इस सारे मसाले को पानी के साथ हम ग्राइंड कर लेंगे, ग्राइंडर के जग में डालेंगे। इसको बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना, ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं किया। थोड़ा सा इसको मोटा रखेंगे क्योंकि हम कढ़ाई तैयार कर रहे हैं। कढ़ाई में डाल लेंगे घी का 1 cup। घी डाल दिया, अब चूल्हा जला के इसको हम अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे मसाले की। ये जो सब्ज़ मिर्चें ली हैं इसका भी पेस्ट तैयार कर लेंगे। मिर्चें ब्लेंड कर ली हैं, ये भी साथ ही डाल देंगे। एक चम्मच जीरे का, 1/2 tablespoon नमक, 1 tablespoon हल्दी। मसाले की अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे, ढककर 5 मिनट के लिए पका लेते हैं। मसाला माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह कुक हो रहा है। यहाँ पे देखें आप, घी अलहदा होना स्टार्ट हो चुका है। मसाले की अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है, अब हम चिकन शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ग्रीन चिली हमने डाली हुई है, अभी हमने इसमें कोई सुरख मिर्च कुछ भी नहीं डालना। लास्ट में सिर्फ जब हम कढ़ाई को बिल्कुल तैयार होने लगेगी फिर हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, छोटी हुई काली मिर्च जाएगी सिर्फ। यहाँ पे अब दही डाल देंगे 1 cup, मिक्स कर लेंगे। 1/2 cup पानी का डाल के इसको ढककर चिकन गलने तक पकाएंगे। 1/2 cup पानी का डाल दिए और कुछ दही का पानी है, इसी पानी में अब हम इसको कुक कर लेंगे। माशाल्लाह इसे खुशबू बहुत जबरदस्त आ रही है। अभी इसके अंदर पानी है, अभी अच्छी तरह चिकन हमारा कुक नहीं हुआ, अभी और पकाएंगे इसको 5 से 6 मिनट के लिए। यहाँ पे कुटा हुआ मैंने धनिया ले लिया है, वो डाल देंगे, 1.5 चम्मच जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लुक कितनी ज़बरदस्त निकल रही है इसकी फ्राई की, माशाल्लाह बहुत यम्मी तैयार होने वाली है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशबू अच्छी आ रही है। 5 मिनट के लिए और इसको कवर करेंगे, लो फ्लेम पे कर देंगे बिल्कुल हल्की आंच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लुक आई है हमारी कढ़ाई की। अब हम बाकी की चीज़ें शामिल कर देंगे। यहाँ पे 1/2 tablespoon मैंने काली मिर्च ले ली है, वो डाल देंगे क्योंकि सब्ज़ मिर्चें तेज़ वाली हमने डाली थी, काफ़ी तेज़ मसाला हो चुका है इसमें, इसलिए हम काली मिर्च अब कम डाल रहे हैं। आप अपने मुताबिक भी डाल सकते हैं।
कम या ज्यादा कर सकते हैं। सब्ज मिर्चें जाएंगी कटी हुई, लेमन के स्लाइस डाल देंगे, इधर स्लाइस जाएंगे। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बनी है हमारी कढ़ाई। आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ये थी हमारी आज की रेसिपी चिकन कढ़ाई की, ब्लैक पेपर चिकन कढ़ाई हमने तैयार की है। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Oh,